इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सिंपल सब सेलेक्ट स्टेटमेंट्स कैसे बना सकते हैं। एसआईडी एप्लीकेशन को रिफ्रेश करने के बाद मैंने वर्ल्ड की डेटाबेस को सेलेक्ट किया है। अब माई एस क्यू एल की कमांड्स मैंने लिखी हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने टेबल ड्रॉप किया है कि अगर एग्जिस्ट करता है टी नेम का टेबल तो ड्रॉप हो जाए। देन टेबल टी ही क्रिएट किया है, दो उसके अंदर कॉलम्स हैं, ए वाचार एंड बी वाचार, डिफॉल्ट करेक्टर सेट UTF-8। इंसर्ट की है वैल्यूज टी के अंदर और सेलेक्ट कर लिया सब कुछ टी में से। उसके बाद सब सेलेक्ट की स्टेटमेंट लगाई है मैंने, सेलेक्ट सब स्ट्रिंग ए कॉमा 1 कॉमा 2 एज स्टेट, ये एज अ स्टेट सेलेक्ट होगा। इसके बाद सब स्ट्रिंग ए कॉमा 3 ये एज एस कोड सेलेक्ट होगा। सब स्ट्रिंग बी कॉमा 1 कॉमा 2 एज कंट्री सेलेक्ट होगा। सब स्ट्रिंग बी कॉमा 3 एज सी कोड फ्रॉम टी। गो करेंगे तो मेरे पास दो क्यूरीज फिलहाल रन हुई है, क्यूरी नंबर 6 एंड क्यूरी नंबर 7, जिसका रिजल्ट आउटपुट आई है। आप इसको देख लें, क्यूरी नंबर 6 वो सब कुछ थी जो ओरिजिनल थी, क्यूरी नंबर 7 में सब स्ट्रिंग ए कॉमा 1 2 ए कॉमा इसमें जो क्यूरी नंबर 6 है सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टी है, और क्यूरी नंबर 7 में सब स्ट्रिंग ए कॉमा 1 2 जो था वो ए में से एन और वाई 1 से लेके 2 तक हमारा स्टेट पोर्शन का पार्ट बन गया है। इसके बाद सब स्ट्रिंग ए कॉमा 3 हमारा एस कोड का पार्ट बन गया है, कि बाद में जो 3 के पोर्शन से आगे तक था वो एस कोड का पोर्शन आएगा एज एस कोड। और इसी तरह बाकी भी सब स्ट्रिंग बी कॉमा 1 कॉमा 2 एस कंट्री में आया है, कि US जो था वो कंट्री में चला गया और 4 5 6 7 एस कोड में चला गया है, सी कोड में, सॉरी सी कोड में चला गया है।